हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोटेक सुमंतनंद। कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज मैं आप सबको लेके आया हूँ एक बहुत ही ऐसा ब्रांड जो कि अपने आप ये लगा लिया मार्केट के अंदर स्टेबल, ऑलरेडी पहले स्टेब्लिश था लेकिन अब फिर से एक बार घर में एक हीरो की तरह आया है, जिसका नाम है जावा। और हम जावा के शोरूम में आए हैं जो कि आपका दिल्ली के अंदर राजा गार्डन के पास बाली नगर पड़ता है। बाली नगर के अंदर ये शोरूम है और बहुत ही कहने में ये कह लीजिए ब्यूटीफुल शोरूम है। और बाइक्स जावा की जो है अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल, एंथुजियास्ट के लिए सबसे बेस्ट बाइक्स मानी जाती हैं। बुलेट के बाद कहना मैं लोगों के माइंड में था कि शायद वो एक रूल कर गई है, लेकिन जावा ने उस रूल को तोड़ा है और एक कहना नए प्लेयर की तरह सामने आया है। ये जावा का शोरूम है और मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ यहाँ के मैनेजर से, मिस्टर नरेश जी। नरेश जी, वेलकम आपका मेरे चैनल पे, और एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड आफ्टरनून, मायसेल्फ नरेश कुमार, आई एम एट T1 राइडर्स बाली नगर, विच इज सिचुएटेड इन रेडियस ऑफ रजौरी गार्डन। T1 Riders has two outlets. First, we have in Dwarka, Sector 20, which is Marble Market. Okay. And second, we have up in Bali Nagar. Yes. So we are authorized dealership for Java. And Java has three variants, okay. Actually. One is a legendary Java, which you can see over here in a black color. It comes into three shades, yeah. Black, gray, which is white actually, and the other one is maroon color. Yeah, jo famous hai apna bike. Yes so main Naresh ek cheez aur janana chahta hu ki jo Java hai, obviously baat hai, ek bahut hi acha bada brand hai aur iske andar hai Java market ke andar ek naye hero ki tarah dobara se compete karke aa raha upar up ho raha hai aur kafi achhi pick kar raha hai jo ki hum sab ne bhi kar mein iske sales dekhe hain. Main se ye cheez janana chahta hu ki jo Java hai ye bazaar mein इसके क्या यूएसबी बना? एक हर ब्रांड अपनी एक यूएसबी लेके मार्केट में आता है, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी क्या यूएसबी है मार्केट में? एक्चुअली दिस द प्रोडक्ट इज इटसेल्फ इज वेरी रिलायंट एंड इट वाज यूज्ड इन इंडियन आर्मी एज वेल फर्स्ट एफईएस एंड दिस स्टार्टेड दिस एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इनटू मार्केट इन 1929 एंड सिंस देन एक्चुअली इट गॉट डिसअपीयर्ड इन मिडल ऑफ 19th सेंचुरी and it got relaunched in 20th century, which is introduced by a legendary Mahindra. Mm-hmm. And under the same name and this is basically the best part of it is, like, you know, it has a very good performance of a single piston four stroke and with the dual silencer, yeah. And 300cc variant, yeah. And the most and the foremost thing, the valuable thing in these products are it is very easy to handle. You know, it is not like, you know, it's too heavy, it is just a one particular people, it is meant to be handled. It can be handled by anybody. And क्या इसको वुमेन्स भी चला पाएंगे? Of course, why not? Yes. क्योंकि आज आपको पता कि ट्रेंड आ गया है, लड़कियां भी बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास जो कस्टमर आते हैं उसमें से अगर जो मैं परसेंटेज वाइज रेशियो देखता हूँ तो 5% वुमेन्स हैं दोज वांट टू ट्राई ड्राइव, क्योंकि हमारे मेरे चैनल पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भैया जितना हो सके हम वुमेन पावर्स को भी आगे करते हैं और yes. मैं भी चाहता हूँ। और मैंने एक चीज़ देखी कि आपने यहाँ पे सेल्स के लिए कहता है मोस्ट ऑफली लड़के होते हैं हट्टे कट्टे से सबको देते हैं, लेकिन आपने गर्ल्स रखी है जो कि मेरे को बहुत खुशी है। ये खाली एक सेल्स के लिए एक बल्कि एक कह लीजिए फेमिनिन टच भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बाइक के ऊपर कोई लड़कों का अकेला आ गई है, लड़कियाँ भी आ गया है। एग्जैक्टली, एक्चुअली हमारा जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है he's been into business for past 30 years, okay. And he is converted into two wheeler from the four wheeler industry. He is a very vast experience into automobile industry. Unka ek foremost ek plan hai कि स्पेशली दिस बालीनगर जो हमारा शोरूम आप देख रहे हैं, इसको हम विमेन पावर शोरूम बनाएं। यहाँ पर इतनी अहमियत दी जाती है विमेन पावर को, जो कि जितना भी हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं मोस्टली फीमेल्स हैं यहाँ पर, एंड दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। वी हैव रियली पिक्ड अप वेरी वेल इन 6 months टाइम, एंड सिंस वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्फ और सिंस वी ओपन्ड अप इन दिस एरिया, I can see that more it's happening on this street, which it was, I mean, not happening earlier. It was like a desert earlier. Now the people have started coming in. More outlets are opening up here. The carryouts are opening. Even the automobile things are opening. बिल्कुल सर, मैं भी खुद अभी इस जगह से। तो चलिए सर, एक बार bikes की तरफ ही बढ़ते हैं। तो एक बार इंट्रोडक्शन कराते हैं मैम का, तो मैम हमारे को गाइड करेंगी।
Yes, she's Preeti, our frontliner again. Welcome to my channel, ma'am. Preeti, ma'am. और जब मैं चाहूँगा कि क्या नाम है, आप इसको एक easy language में बताएं कि जावा बाइक जो है, इसके पहले तो मैं थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहूंगा कि इसके जो मॉडल्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं ये कहते हैं आपका 42 क्लासिक लेजेंड है और सामने एक कहते हैं मॉडल खड़ा हुआ है, क्लासिक खड़ा हुआ है। तो जब मेरे को एक बार पहले इसको देखना चाहूंगा, क्योंकि ये बाइक जब से मैं अंदर आया हूँ तब से मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, आई कैचिंग कलर है और थोड़ा लुक भी इसका बिल्कुल डिफरेंट दिया है। बेसिकली सर जो स्टार्टिंग मॉडल है हमारा जावा क्लासिक है जी, ठीक है। तो अगर आपको मैं इसके बारे में बताऊँ तो सर 300cc आपको इंजन मिलेगा, ओके। डबल साइलेंसर मिलेंगे, डबल साइड साइलेंसर जो सिर्फ जावा ब्रांड ही प्रोवाइड कराता है जी। इसके अलावा 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, 300cc में लाइट वेट मिलेगी आपको, जस्ट ओनली 175 kg। ओके मैम, वैसे मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये एक शौक है और शौक की तो कोई कीमत नहीं होती, मगर एक इंडियंस का एक हमेशा एक कह लीजिए टैग लाइन है, कितना देती है माइलेज जी मैम? सर बेसिकली कंपनी जो माइलेज प्रोवाइड कराती है वो 45 समथिंग है, ओके। बाकी जो कस्टमर का रिव्यू है सर 30-35 अराउंड आपको इजीली माइलेज दे देती है। वो तो ऑब्वियसली बात है, चलाने के पैटर्न पे बहुत कुछ डिपेंड करता है क्योंकि हर किसी के चलाने का पैटर्न जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। और सिटी कंडीशन में सर एवरेज निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। वो तो है ही मैम, दिल्ली से शहर में तो रन ही नहीं है, लेकिन अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली बात है कि अच्छी एवरेज देगी और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है। और मैम एक चीज बताइए, जैसे अब ये क्लासिक है, मैं एक बार इस पर भी आना चाहूंगा, ये भी कहते हैं ये समझ लीजिए कि ये तो बिल्कुल एक लेजेंडरी की तरह दिख रही है, जैसे आप आर्मी में देखते आए थे जी जी। तो मैम एक बार इसके बारे में भी थोड़े से हमारे को बताइए कि ये मॉडल के बारे में कुछ बताइए। सर बेसिकली अगर इंजन कैपेसिटी देखेंगे तो दोनों की सेम है, ये भी 300cc और ये भी 300cc है, ओके। इसमें आपको लिक्विड कूल इंजन मिलेगा, जावा में सारे ब्रांड में लिक्विड कूल इंजन आता है सर। एक बार मैं कस्टमर्स को भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे देखिए ये सारा, एक बार इस साइड से भी दिखा देते हैं, तो सारा लिक्विड कूल इंजन है जो कि आपके कार्स में यूज होता है आजकल, बाइक्स में भी आने लगा है। जितने हैवी इंजन या हमने देखा था इंपोर्टेड बाइक्स के अंदर आता है, लेकिन अभी एक तरह के लिए इंडियन बाइक के अंदर भी ये चीज चालू हुई है, तो इससे भी फ्रेंड्स बहुत बेनिफिट मिलता है कि जो इंजन है उससे कूल होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, उसकी लाइफ बढ़ती है। प्लस आपको चलाते समय जो एक हीट का जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कईयों को, कि कहते हैं थाइस जो होती हैं वो कहते हैं ओवर हीट होने की वजह से हल्की हल्की बर्न सी होती हैं बाइकर्स को, कहना मैं इसके लिए स्पेशल गेयर्स भी कई बार यूज़ करने पड़ जाते हैं, बट इसके अंदर लिक्विड कूल्ड इंजन के अंदर मेरे को नहीं लगता कि ऐसी इतनी नीड पड़ती है। नहीं इतनी नीड नहीं पड़ती, बेसिकली 6 गियर ट्रांसमिशन मिलेगी, ओके। इसके अलावा ओके बोथ इन साइड आपको ABS मिलेंगी, ओके। ये बहुत बड़ी बात है, यानी ABS यानी आप सेफ्टी को पूरा कहते हैं कॉन्सेंट्रेट करके चल रहे हैं। और मैम एक मैं देखना चाहूंगा, वो बिल्कुल कह लिए एक सुपर हीरो की तरह बाइक हम देख पा रहे हैं, इसके जो लुक्स है मेरे को बहुत ही प्यारी लग रही है, खासकर इसके जो मिरर्स का स्टाइलिंग है। एक बार मैं फ्रेंड्स ये दिखाना चाहता हूँ कि आप खुद देखिए कि मेरे को इसका स्टांस जो है, मेरी हाइट जो है 5'4" है और आप खुद देख सकते हैं कि मेरे इतना ईजी है, मेरे पैर जो है बिल्कुल आराम से लग रहे हैं। 5'4" आजकल मोस्ट प्रोबेबली लड़कियों की हाइट भी 5'4" से ऊपर नहीं होती, तो आप खुद देख सकते हैं कि इसकी कंफर्टेबल खड़ा होने कई बाइक्स होती है बहुत हाइट होती है, बहुत हाइट होती है, ये इसलिए कंफर्टेबल है, कोई शॉर्ट हाइटेड पर्सन भी इजीली इसको कैरी कर सकता है। इसका बैलेंसिंग बहुत अच्छी है सर, और लुक्स भी मैम लुक्स भी बहुत अच्छा है। इसका जो इंजन है वो ब्लैक कोटेड है जो काफी प्यारा लुक देता है, मैट फिनिशिंग में आपको कलर मिलेगा। बहुत पसंद करते हैं कईयों को, क्रोम बहुत पसंद होता है, हर किसी अपनी चॉइस है, आपके पास मेरे ख्याल से दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल। जैसे गर्ल्स चलाती है तो उनके लिए भी मतलब जैसे इजीली कैरी कर लेंगी, मतलब क्योंकि देखिए शुरुआत तो हमने वहीं से की है, तो मैं एक बार चाहता हूँ कि आप भी एक बार बताइए इसके बारे में कि भाई गर्ल्स जो हैं तो उसके लिए क्या नाम है, कितनी कंफर्टेबल है, मतलब अगर क्योंकि मोस्ट ऑफ लड़कियों को लगता है कि यार बाइक का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका वेट जो है वो अप्रोक्स क्या होगा इसका? सर इसका जो वेट है वो अप्रोक्स है 175 kg। 175 kg, ये तो एक तरह से बुलेट के थोड़ा सा नीचे ही है, बल्कि बुलेट से 25 kg कम है सर। कम है तो ऑब्वियसली बात है, तो ये तो 25 kg तो बहुत ज़्यादा हो गया। और मैम एक चीज़ बताइए कि जावा बाइक्स की जो सर्विस कहते मैं अपना टेन्योर हो गया वो कितना है इसका? एज फार एज द सर्विसेज आर कंसर्न ऑफ दिस व्हीकल, you get 4 labor free services. जी. As far as the intervals are concerned, the first service required at 1000 kilometers or 1 month, whichever comes early. वो तो obviously बात है. Then after 6 months interval or the 6 months, whichever comes early. तो so first service 1000 1 month, फिर 6000 के interval पे 18000 kilometer तक आपको labor charge नहीं देना पड़ता. ओके हर सर्विस में इसका जो है फ्यूल फिल्टर इसका चेंज होता है, ओके। अपार्ट फ्रॉम थोरो चेक एंड वॉशिंग एंड क्लीनिंग आल्सो इंक्लूडेड इन देयर, जिसका खर्चा मैक्सिमम 1700 रुपये आता है।
ये तो बहुत कम है, अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे इतना तो स्कूटीज का भी खर्चा नहीं है, स्कूटी में भी जाते तो वो भी अप्रोक्स में लगा लिया 2-3 हज़ार रुपये आम बात हो गई है पैकेज के। तो ये देख लीजिए कि फ्रेंड्स एक इतनी हैवी और इतनी अच्छी लग्जरी बाइक होने के बावजूद भी जो इसकी क्या सर्विस कॉस्ट है बहुत ही मिनिमल है, जो कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगी। तो मैम एक चीज़ बताइए कि बाइक मैं देख रहा हूँ इसमें, क्योंकि इतनी आई कैचिंग बाइक है कि मतलब मैं इसे ध्यान ही नहीं हटा पा रहा, तो एक बार मेरे को जरा इसकी प्राइसिंग बता दीजिए। इसका जो ऑन रोड प्राइस है सर वो है 2,21,500। ओके यस। और इसके अंदर कोई वेरिएंट सही है, जस्ट सिंगल वेरिएंट है? सर इसमें वेरिएंट आते हैं अलग अलग, इसमें अगर बेसिक मॉडल में जाएंगे तो इससे पहले आता है 42 मॉडल। ओके। इंजन कैपेसिटी सेम होगी, लुक वगैरह सेम होगा, बेसिकली उसमें आपको क्रोम फिनिशिंग में इंजन मिलेगा, इसमें ब्लैक कोटेड है। ओके। उसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे, इसमें अलॉय व्हील्स है, तो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 2,07,000। चलिए, और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखिए कि मैं अपने चैनल पे हमेशा बोलता आया हूँ कि जो प्राइसिंग आपको दिखाई जा रही है वो करंट दिखाई जा रही है हमेशा। अगर मैं प्राइसिंग अपने डिस्क्रिप्शन में डालता भी हूँ तो वो भी ध्यान रखना कि वो करंट प्राइस होगी, क्योंकि आपको पता है प्राइस जो है टाइम टू टाइम कई बार टैक्सेस बढ़ते हैं, कई बार कंपनी बढ़ाती है, तो आप इसको बिल्कुल फिक्स ना माने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि में टाइम टू टाइम जो प्राइस जो है वो रिलायबल चेंजेस होते रहते हैं, कई बार डाउन भी आ जाते हैं, कई बार हाई भी जाते हैं, तो आप भी ये चीज़ जानते हैं। तो इस समय आप ये ध्यान रखें कि ये जो कहते आप वीडियो देख रहे हैं ये फेब 2022 का है, तो जो मैम ने प्राइस बताया वो फेब 2022 के हैं। आप कहना मैं बात कीजिए, जब मर्जी आइए कॉल कीजिए, आपके सामने डिस्प्ले होगा और नंबर शोरूम का, आप आराम से देख सकते हैं, इनको कॉल कीजिए और आप प्राइसिंग ले सकते हैं। और मैम एक चीज़ बताइए कि इनकी टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल हो जाती है? यस सर, अवेलेबल है टेस्ट ड्राइव अवेलेबल। चलिए, और मैम एक बार मैं चाहता हूँ कि सामने जो ये ब्यूटीफुल कहते खड़ी हुई है, क्लासिक्स भी खड़ी हुई हैं, एक बार इस पर भी आते हैं हम, और एक बार आप इसका भी मेरे को जब प्राइसिंग बता दीजिए कि मतलब मैं व्यूअर्स को बता दीजिए कि क्या प्राइसिंग होगा इसका। इसका जो ऑन रोड प्राइस है सर वो है 2,17,000। सर इसमें वेरिएंट्स नहीं है, इसमें कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। Okay. बेसिकली इसमें भी आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, इन दोनों में 3-3 कलर ऑप्शन है सर। ओके चलिए फ्रेंड्स, बाइक तो है अपने आप में बहुत ही प्यारी है, और अगर आप शोरूम देखेंगे तो शोरूम भी अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल बना है मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल शोरूम है। मतलब कि मैं पहले भी कई बाइक्स के शोरूम या गाड़ियों के शोरूम पे गया हूँ तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो बहुत ही अच्छा मतलब कि शोरूम बना हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल शोरूम है। और फ्रेंड्स बाकी कह रहे मैं आपको कोई भी कह रहे क्वेश्चन आंसर है आप मेरे को डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको कह रहे मैं कोई भी बाइक से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि मैं आप जानना चाहते हैं इसकी प्राइसिंग हो चाहे इंश्योरेंसेज हो एवरीथिंग जो भी आप जानना चाहते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन जो डिस्प्ले हो या स्क्रीन पे नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ याद से बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय।